अवैध शराब के काले कारोबार और ओवर रेट माफिया को कुचलने के लिए शुरू किए गए स्पेशल ऑपरेशन में आबकारी विभाग ने कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन राजधानी में पुराने ठेकेदारों के काले गठजोड़ को विभाग अभी तक नहीं तोड़ पाया है। शराब तस्करों को राज्य बदर करने में काफी हद तक सफलता मिली है। अभियान के शुरुआती 2 महीने में रिकॉर्ड कार्रवाई से उत्साहित वित्त विभाग ने अभियान को जारी रखने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट आप देखें। अवैध शराब के काले कारोबार में ओवररेट माफिया को कुचलने के लिए स्पेशल ऑपरेशन में आबकारी विभाग को सफलता मिली है। फिर भी राजधानी में पुराने ठेकेदारों का काला गठजोड़ अभी तक नहीं टूटा है। पिछले कई सालों से शराब तस्करों ने शाहजहांपुर से जयपुर उदयपुर होते हुए गुजरात में शराब सप्लाई का बड़ा सिंडिकेट बना लिया है। कई जिलों में अवैध शराब और ओवररेट माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। राजधानी में ना तो ओवररेट पर नियंत्रण हो रहा है और ना ही पुराना ठेकेदारों द्वारा रचा गया लोकेशन का जाल ही विभाग तोड़ पाया। राजस्थान को ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग को मिल रही लगातार शिकायतों के बाद वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने खुद FSR डॉक्टर पृथ्वी के साथ मिलकर सिंडिकेट को तोड़ने का बीड़ा उठाया। आबकारी आयुक्त रहे BC मलिक और डॉक्टर जोगाराम तस्करी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं। 25 मार्च से शुरू किए गए अभियान में 6 जुलाई तक प्रदेश में हर दिन औसतन 350 जगहों पर दबिश दी गई तो 44 मामले रोजाना दर्ज भी किए गए। अब तक 35,089 स्थानों पर दबिश दी गई और अभियान में 3,625 मामले दर्ज हुए। अभी तक अभियान में 1,078 गिरफ्तार हुए और ओवररेट वसूली के 460 मामले दर्ज हुए। प्रदेश में करीब 1,900 गांवों और कस्बों का चयन कर ABC श्रेणी में बांटा गया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर शराब माफिया को संभलने का मौका ही नहीं दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 22,576 बोतल देशी मदिरा, 42,385 बोतल अंग्रेजी शराब, बियर 8,960 बोतल, 29,222 बोतल हथकड़ शराब, 17,19,000 वाश और 190 वाहन जब्त किए गए। नकली शराब की 3 फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। ऑपरेशन को शराब तस्करों पर लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तस्करों पर सिलसिलेवार कार्रवाई से प्रदेश से पैर उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। बेहतर हुआ आबकारी विभाग राजधानी में भी अवैध शराब और ओवररेट माफिया पर ठोस कार्रवाई कर पाए। विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद ACS निरंजन आर्य ने अभियान की सफलता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग की कमान संभाल रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, हर कार्रवाई की फोटो और वीडियो मंगाए गए हैं। कोताही बरतने वालों को चार्जशीट दी गई और खुद मौके पर पहुंचकर अच्छा कार्य करने वालों की पीठ भी थपथपाई गई। आबकारी अभियान की सफलता से कहा जा सकता है कि टीम ने अभियान में जोरदार कामयाबी हासिल की। अब इस स्प्रिट को बरकरार रखने की जरूरत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।